व्रत में वही साबूदाना खा खा कर बोर हो चुके हो तो आ गई बिना साबूदाना की इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी। बहुत ही फटाफट बन जाती है, बिना तामझाम के 10 मिनट में इस रेसिपी को आप तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात इस रेसिपी की ये है, इस रेसिपी के हर इंग्रीडियंट्स हमारे घर पर अवेलेबल होते हैं, जिसे आज हम कच्चे आलू से बनाएंगे। बहुत ही फटाफट ये बनने वाली रेसिपी, एक नहीं वो भी दो रेसिपी एक ही बैटर से, बहुत ही मजेदार ये रेसिपी। आप वीडियो के एंड तक बने रहे, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। बैक टू माय चैनल, मैं हूँ छाया, स्वागत करती हूँ छाया के साथ एक रेसिपी फिर से लेकर आई हूँ। रेसिपी पसंद आ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो जिसके लिए मैंने 4 कच्चे आलू लिए, आलू को मैंने बढ़िया से छील लिया था और पानी में डाल दिया था, जिससे आलू हमारे काले ना पड़े। आलू को हम इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेते हैं, जिस तरीके से चिप्स करते हैं, लेकिन हमें चिप्स से मोटा रखना है, बहुत ज्यादा थिन और बहुत ज्यादा इसके मोटे पीस नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए परफेक्ट हमने सारे आलू काट कर तैयार कर लिए हैं और पानी में भी डाल दिए, जिससे आलू हमारे काले ना पड़े। और इसको 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेते हैं, जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए। स्वाद के अनुसार या तो 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मेरी घर की पिसी हुई है, यदि आप व्रत में नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/2 चम्मच कच्चा जीरा, इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। 1/2 चम्मच हम इस पर सौंफ भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमने 1 चम्मच काली मिर्ची कूट कर ली है, 2 हरी मिर्ची फाइन चॉप करके लिए, हरा धनिया, इससे टेस्ट काफी बढ़िया आएगा, और 1/2 नींबू का रस इस पर निचोड़ देते हैं। बहुत ही गजब टेस्ट आता है जब आप इस तरीके से नींबू को डालते हैं। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और जो आलू पर अच्छे से सारी कोटिंग हो जाना चाहिए, इसको हम कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं, जिससे ये थोड़े से मैग्नेट हो जाए। हमने गैस पर एक पैन रखा है, इसको हम घी से कर देते हैं ग्रीस। जो आज का नाश्ता है बस इतनी ही घी में ये बनकर तैयार हो जाता है, और इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते। आलू भी हमारी मैग्नेट हो चुके हैं। नाश्ते को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हमने व्रत वाले समा के चावल लिए, इसको सिंपली मिक्सी पर पीस लिया था, जिससे इसका पाउडर बन गया था। आप घर पे बना सकते हैं, मार्केट पर भी ये मिलता है। 3 से 4 चम्मच हम इस पर डाल देते, इससे नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि हर एक लेयर पर ये कोटिंग लग जानी चाहिए, इससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ये देखिए हमने परफेक्ट इसकी कोटिंग कर ली है, हर एक लेयर पर इस तरीके से ये कोटिंग हो चुकी, बस ऐसा ही हमें चाहिए। एक जरूरी पॉइंट, जब भी आप नाश्ता बनाए तभी आप इसको समा का चावल का आटा डालना, वरना ये गीला हो जाता है। इधर हमारा पैन भी गर्म हो चुका है, परफेक्ट हीट आ रही है, गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, और जो हमने मैग्नेट करके रखे थे एक एक हम इस पर सेट करते जाएंगे। थोड़ा हमें इसको ओवरलैप करते हुए ही लेना है। प्रॉपर हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है, गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देना, और इसको हम कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। जब तक हम एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको रफली चॉप किया है, साथ ही 2 हरी मिर्ची पर डालेंगे, बहुत सारा हरा धनिया, 1/2 चम्मच कच्चा जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, आप चाहें तो इस जगह पाउडर का भी यूज कर सकते, 1 छोटा चम्मच नमक। अब आप कहेंगे 1 छोटा चम्मच, हाँ 1 छोटा चम्मच नमक ही डालना है, और 1/2 नींबू का रस हम इस पर डाल देंगे, 1/4 कटोरी कच्ची मूंगफली, भुनी नहीं है बस ऐसे ही कच्ची है। इसी के साथ हम इस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको बंद करके एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लेती। इस पर कोई लम्स वगैरह नहीं है, ना ही कोई मोटे टुकड़े। अब हमने फिर से वही समा वाला चावल लिया है, तो अब आपको इस पर सिर्फ 3 से 4 चम्मच डालना है, या तो जितना आप नाश्ता बनाना चाहते हैं उतना आप इस पर डाल दीजिए, और इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको हम बंद करके सिर्फ हमें ब्लेंड करना है। ये काम आप अलग से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का हमने ब्लेंड कर लिया है, लम्स फ्री बना है, कुछ इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है। मैंने एक कोन लिया है और उस पर हम ये बैटर पूरा सारा फिल कर देते हैं। आप चाहे तो कोई पॉलीथिन वगैरह पर इसका यूज कर सकते हैं, ऊपर से हम इसको रबड़ से सील कर देते हैं। ये हमारी इस तरीके की कौन बनकर तैयार हुए, इधर हम चेक कर लेते हैं। ये परफेक्ट कुक हो चुका है, और कोन का आगे का हिस्सा हम सिर्फ पतला कट करेंगे, और इस तरीके से हम ऊपर से इस पर डिजाइन बना देते हैं। मनचाहा आप इस पर डिजाइन बना सकते हैं। ये बढ़िया से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया, 1 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे, 1 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। और ये देखिए ऊपर से ये सारी लेयर पक चुकी है, इस तरीके से सेक करेंगे, नीचे से भी नाश्ता छूटने लगा है। इसको हम पलट देंगे इस साइड से, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और ऊपर से भी हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। जब तक जो नीचे की लेयर होती है वो भी बढ़िया से सेक जाती है, इस पर भी हमने बढ़िया से डिजाइन बना दिया है।
और इसको फिर से कवर किया है सिर्फ एक मिनट के लिए, और एक मिनट बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी करा रहा है ये नाश्ता पनीर। इसको पलट के दिखाती हूँ, ये साइड से भी बढ़िया हमारा सिक चुका है, और थोड़ा सा हम दूसरे साइड से भी इसको सिकने देते हैं। परफेक्ट ये नाश्ता हमारा बना है। इसको निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। प्लेट रखिए और इस तरीके से आप इसको पलट दीजिए। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया। चलिए मैं आपको काट के दिखाऊं कि ये नाश्ता अंदर से कितना बढ़िया है। जितना ये ऊपर से क्रिस्पी है अंदर से उतना सॉफ्ट है, बहुत ही क्रिस्पी इसके बीच की लेयर है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।